Deep Talks Tao Te Ching by Deep Trivedi. मन पर हम लाओसे का दूसरा सूत्र लेते हैं. वे कह रहे हैं कि जब लोग कुछ चीजों में सौंदर्य देखते हैं तो बाकी चीजें कुरूप हो ही जाती है. जब लोग कुछ चीजों को अच्छा मानते हैं तब दूसरी वस्तुएं खराब हो ही जाती है. बड़ा ही सीधा सत्य है. होता क्या है, इस प्रकृति में कहीं कोई भेद नहीं है. बड़े ध्यान से समझ लेना, यहां चीजें हैं. सत्य यह है कि यहां चीजें हैं, लेकिन लाओ से कह रहे हैं, मन का बड़ा ही पक्का सिद्धांत समझा रहे हैं कि यहां पर एक जन्म नहीं हो सकता. हमेशा मन बुद्धि में दो जन्म एक साथ होते, हमको दिखते नहीं और अपने आप को आप परेशान करते. बाकी प्रकृति में भेद नहीं है, लेकिन आपका सारा नॉलेज, आपकी सारी शिक्षा, आपकी सारी समझ भेद की है. तो लाओ से कह रहे हैं कि जैसे ही आप भेद करते, आप कहते कि यार ये चीज खूबसूरत है. बड़े ध्यान से समझना, आप कहते हैं कि ताजमहल बड़ा ही खूबसूरत है. सत्य यह है कि ताजमहल है, उसकी खूबसूरती आंख को देखती, दिल को लुभाती, बात समाप्त हो जाती, कर्म वहीं समाप्त हो गया. लेकिन आप कहते नहीं, उसको शब्दों में पिरोते, ताजमहल खूबसूरत है. आप समझते कि मैंने इतना ही कहा, मैंने इतना ही समझा, मैंने इतना ही बोला. गलत बात है. मन बुद्धि में दो जन्म एक साथ है. हाथों हाथ आपने ये कहा कि ताजमहल को छोड़कर बाकी इमारतें सुंदर नहीं है. हाथों हाथ आपने ये कह दिया और यहीं आप फंस जाते. और मनुष्य इतना अतृप्त क्यों है, सदियों से अतृप्त क्यों है? वो समझ नहीं रहा कि वो भेद करते ही अतृप्त हो रहा है. साइकोलॉजिकली अतृप्ति भेद की शिक्षा है. जितने आपने जीवन में भेद करे हैं उतने आप अतृप्त हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है. अभी जैसे ही हम कहते कि ये पुण्य है तो आप हाथों हाथ ये भी कहते कि ये पाप है, कह ही दिया. और सारे शास्त्र इसी से भरे हैं, ये भी एक कमाल है. अरे ये भी एक कर्म है, वो भी एक कर्म है, लेकिन हम कहते कि नहीं ये पुण्य है. अगर आप कहते ये पुण्य है तो फिर आपको अभद्र भाषा वापरनी पड़ती कि तुम ये करते पापी हो, तुम ये करते काफिर हो. नहीं, दो जन्म एक साथ है. अगर आप पुण्य कहते तो पाप भी आप कहते हाथों हाथ. ये मन का ऑटोमेशन है. अब आप एक चीज समझना कि जीवन में सफलताएं जिन्होंने पाई उन्हें भेद नहीं था. इस मनुष्य को असफल करा है भेद की शिक्षा ने. और अब हर आदमी के दिमाग में ऐसा घुस गया है भेद कि वो बगैर भेद के कुछ समझता ही नहीं. अभी बगैर भेद के आप प्रेम भी नहीं कर सकते. अगर भेद है तो आप प्रेम नहीं कर सकते. अगर भेद है तो आप खुश नहीं रह सकते. अगर भेद है तो आप ध्यान नहीं लगा सकते. अगर भेद है तो आप सफलता नहीं पा सकते. ये भी एक बड़ा ही सूक्ष्म और सीधा गणित है. अभी हमको सिखाया जाता कि धर्म बड़ा जरूरी और बड़ी ऊंची चीज. अब आपने भेद कर दिया, फंस गए. फिर ये परंपरा श्रेष्ठ तो दूसरी अश्रेष्ठ, आप फंस गए. मजनू नहीं फंस रहा है ना, उसको भेद नहीं है. तो लैला, काली, कदरूपी,
मजनू अच्छा खासा लेकिन भेद नहीं है तो उसको उस लैला में क्लियोपेट्रा दिख रही है और बड़ा खुश है। पूरी दुनिया समझा रही कि पागल, अरे बोले तुम पागल, इससे खूबसूरत लड़की बताओ। और आसपास वाले बोलते तू चाहे जिसको देख ले इससे खूबसूरत है। तो मजनू बोले तुम्हारी आंख खराब है क्योंकि भेद नहीं है। अभी एडिसन है, उसको भेद नहीं है, वो जानता है कि कार्य ही पूजा है। मैं प्रयोग करने के लिए पैदा हुआ हूं, तो वो एक इंद्रिय हो जाता जिसको भेद नहीं है, वो प्रयोग में डूब जाता, फिर वो चर्च नहीं जाता, फिर वो भगवान को याद नहीं करता। बड़े गौर से समझ लेना, हमारे को भेद है तो हम सोचते कि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, और आधे प्रयोग में उठ के बक जाते, फिर बोलते बड़ी मेहनत करी प्रयोग सफल नहीं हो रहा, लेकिन आपने भेद कर दिया। प्रकृति में भेद नहीं है, कार्य है, वस्तुएं हैं, सब कुछ है, आप भी हैं, मैं भी हूं, आपका मन भी है, मेरा मन भी है, सूर्य भी है, चांद भी है, प्रकृति में भेद नहीं है। और जब भेद नहीं था, आप उस जमाने के मनुष्यों को देखे, है ना, वो फूलों की माला पहन के घूमते थे, पत्थरों की माला बनाते थे, कितने खुश थे। फिर हमने भेद किया, है ना, अरे ये हीरा, ये गोल्ड, फंस गए। मनुष्य की आधी कमाई तो बीबियां गोल्ड और हीरे में ले जाती। अरे पेनो फूलों की माला पहन के घूमो, माला माला होती, आप भेद क्यों करते। मैं तो कईयों कहता, और खास करके खैर मैं तो कभी भी, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर इकोनॉमी समझें तो वाकई गोल्ड ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि पैसा ब्लॉक हो जाता, और हिंदुस्तान पैसा ब्लॉक होना कायदे से बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा फ्लो होगा। अगर वो पैसा धंधे में लगेगा, अगर वो पैसा कंस्ट्रक्शन में लगेगा, अगर वो पैसा बिजनेस में लगेगा, अगर उस पैसे की आप ऐश मौज मस्ती करेंगे तो किसी को रोजगार मिलेगा, पैसा फ्लो में आएगा, और पैसा फ्लो में आ जाए तो इंडियन इकोनॉमी आज चेंज हो जाए। लेकिन हम फंस गए, और सभी जने फंस गए। मैं तो कई बार कहता यार अपने पे भरोसा नहीं है, है ना, 10,000 का पूरा सेट सिलाओ और निकलो शान से, कोई नहीं बोलेगा नकली है। सब कहते सोने की पहचान 10 फीट दूर से, किसी को किसी चीज की पहचान नहीं है, किसको पहचान है, और जोहरी की पार्टी में थोड़ी जा रहे हो, पैसा ब्लॉक क्यों करते। फिर चोरी हो जाता है टेंशन, अब महंगे पहनोगे तो चोरी भी होगी, ये ले जाए तो भी टेंशन नहीं। तो भेद ने मनुष्यों को मरवा डाला है। आप बड़े ध्यान से समझना, लाओ त्से का सूत्र एक बार फिर सुनाता हूं आपको, कि सारे भेद आपको परेशान कर रहे हैं जबकि भेद है नहीं। लेकिन भेद के चक्कर में हर मनुष्य ने दौड़ा भागी मचा रखी है, जबकि सत्य यह है कि कार्य है, कैसा भी हो उसमें आनंद मिल रहा, आप सीधी राह, उसमें ध्यान लग रहा, आप सीधी राह पे हैं। कार्य है, ध्यान है, आनंद है, क्या कर रहे है, और फिर अच्छा बुरा। तो जैसे ही मनुष्य कुछ चीजों में सौंदर्य देखता है तो बाकी चीजें कुरूप हो ही जाती है। जब लोग कुछ चीजों को अच्छा मानते हैं तो बाकी चीजें बुरी हो ही जाती है, बस। और यही आकर मनुष्य फंस गया है। आप पूरी गीता उठा के देखिए कि कृष्ण बार बार अर्जुन को एम्फेसिस क्या कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू पाप पुण्य, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, मान अपमान, लाभ हानि, ये जो भेद कर रहा है ना उसको काट डाल, क्योंकि तू भेद करेगा तो दिल से युद्ध नहीं कर पाएगा। हम भी यही करते, कृष्ण ये समझा रहे हैं, आप भेद मत करो। आप अगर किसी चीज को पाप मानोगे, अर्जुन युद्ध को पाप मान रहा है, इतनी बड़ी हिंसा होगी। ज्ञानी तो पूरा है, वो भी, उसने भी सब शास्त्र पढ़ रखे हैं बराबर, और मौके पे यूज कर रहा है। उस दिन के पहले उसको कभी समझ में नहीं आया कि हिंसा होती, उस दिन समझ में आ गया जब देखा ओ इतनी विशाल सेना, हिंसा होती, बोले, है ना।
तो हमारे सारे पाप पुण्य ऐसे हैं, जब घाटा होता ना तब हम पाप की बात करते, फायदा होता ऐसा कर लेते किसी को पता ही नहीं चलता, तैयार रहते रेडीमेड, कोई पाप पुण्य नहीं है। आपका भेद है, आप फंस रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू ये भेद सारे हटा दे तो तू दिल लगा के युद्ध कर पाएगा, और दिल लगा के युद्ध करेगा तो ही तेरा उद्धार होगा। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, आप सारे भेद हटा दो, जो कार्य आपके हाथ में है वो बिना भेद के उसमें डूब जाओ, आप सफल हो जाओगे। अगर भेद है तो बार बार अटकोगे, 50 जगह जाओगे, ये भी जरूरी वो भी जरूरी, 80 साल जीना क्या क्या जरूरी, तो आप किसी चीज में डूब नहीं सकते अगर भेद है। और एक जन्म आप दे नहीं सकते, अगर आप कहते कि मेरे माता पिता हैं तो आपने हाथों हाथ ये कह ही दिया कि बाकी बुजुर्गों का मेरे मन में इतना सम्मान नहीं, हाथों हाथ कह दिया। भेद करते ही दूसरी तरफ भेद हो जाता, आप अटका नहीं सकते, ये सत्य है। और भेद करेंगे तो आप डूब नहीं पाएंगे, दूसरा सत्य है। मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं समय हूँ, पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूँ। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। डीप टॉक्स टाओ टे चिंग बाय दीप त्रिवेदी। सो हम तीसरा सूत्र लेते हैं। लाओस से कह रहे हैं कि होना और नहीं होना एक दूसरे को जन्म देते हैं, मुश्किल और सहजता एक दूसरे को टिकाए रखते हैं, ब्यूटीफुल, लंबा और छोटा एक दूसरे को परिभाषित करते हैं, मोटाई और सूक्ष्मता एक दूसरे पर आधारित है। दरअसल जब तक आपका मन, हमारा मन इस लेवल का नहीं हो जाता, हमारी बुद्धि अहंकार इस तरीके से नहीं देखती कि ये है और सत्य ये है कि वो है, ये है और जो है वो है, सिर्फ है, उससे ऊपर का कुछ भी नहीं है, ये सत्य है। और जैसे ही इससे ऊपर जाते उसी को हम बुद्धिमान कहते। देखो कितना नॉलेज है, सब चौपाटी पे भेल बेच रहे हैं नॉलेजेबल लोग। किस चीज का नॉलेज है? हर चीज के भेद का नॉलेज है आपको। सुख शांति आ ही नहीं सकती, मस्ती आ ही नहीं सकती। तो लाओस से कह रहे हैं बड़े ध्यान से देखो कि चीजें तो सिर्फ है, लेकिन आप है से आगे बढ़ते तो आपका होना आता, और होना नहीं होने को जन्म देता। और यही हमारा जीवन है। जैसे ही आप कोई चीज कहते हैं कि ये है, बड़े ध्यान से समझ लेना कि आप हाथों हाथ बाकी के अस्तित्व को ठुकराते कि ये नहीं है, जबकि वो भी है, ये भी है। ये बड़ी गहरी बात है, इसमें हम बड़े उलझ जाते। ये है, अच्छा तो बाकी सब नहीं है, हमको मालूम नहीं है। हमारे सर में दर्द होता तो दर्द है, बाकी के सर में दर्द होता तो दर्द नहीं है, वो भी है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं हाथों हाथ होना नहीं होने को जन्म देता, अगर हम कहते सर दर्द है, इसी कारण से हमें एक बार मालूम पड़ता कि सर दर्द नहीं है। बड़े गहरे में समझना, वरना दर्द शरीर में है, मन और भीतर, आत्मा और भीतर, प्रकृति और भीतर, लेकिन है तो मालूम पड़ता, मालूम पड़ता तो नहीं है वो भी मालूम पड़ता। तो होना और नहीं होना एक दूसरे को जन्म देते हैं,
हम कहते कि ये पुण्य है तब हम बात करते कि ये पाप है। अगर कोई चीज पुण्य नहीं है तो आप बताएं कोई चीज पाप हो सकती? हो ही नहीं सकती। होना और नहीं होना एक दूसरे को जन्म दे रहे हैं। अगर आप कहते कि ये सुख है तभी आप कह पाते कि ये दुख है, ये सुख नहीं है। बड़े गौर से साइकोलॉजी समझना, दुख क्या है? सुख की अनुपस्थिति। सुख क्या है? दुख की अनुपस्थिति कि कुछ और है? बड़े गौर से अपने को देखो, ये गहरी बात है। आप किसको सुख कहते हैं? सुख नहीं है, दुख की अनुपस्थिति को आप सुख कहते हैं। आप दुख किसको कहते हैं? सुख की अनुपस्थिति को कहते हैं, और तो कुछ भी नहीं है। तो होना और नहीं होना एक दूसरे को जन्म देते हैं। और इसके बाद में जो लाओ त्से ने लाइन कही, 1000 सलाम करता हूं उनको, उन्होंने कहा कि मुश्किल और सहजता एक दूसरे को टिकाए रखते हैं। बस बहुत ही, अभी हम तीसरा ही सूत्र ले रहे हैं और लाओ त्से ने ऐसी उद्घोषणाएं करना शुरू कर दी। दरअसल मनुष्य जीवन में मुश्किल संभव नहीं है। लाओ त्से कह रहे हैं कि मुश्किल है ही नहीं। आप गौर करना, मैं आपको अभी बताता हूं कि मुश्किल आ कैसे सकती, मुश्किल हो कैसे सकती। लेकिन हम कहते हैं कि हमको तो मुश्किल के अलावा किसी चीज का पता ही नहीं है। ये सूत्र बड़े ध्यान से समझ लेना कि हम कौन है। हम शरीर हैं, शरीर तो हमारा गुलाम है, बुद्धि अहंकार का गुलाम है, मन का गुलाम है। हम उसको कहते उठ तो उठता, हम उसको कहते बोल तो बोलता, हम उसको कह खा तो खाता। तो शरीर तो हम है ही नहीं, हम तो शरीर के मालिक हैं। अब बचा तो फिर हम क्या है? हम मन है। बड़े प्यार से समझना, हम मन है। हम जो भी फील करते मन में फील करते। हम कहते कि दुख है, दुख क्या है बताओ? आपके मन फील कर रहा वही दुख है। मन फील ना करे तो दुख नहीं है। बाहर कुछ भी हो, आप समझते ये गड़बड़ हो गई, गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ ये हो रही कि मन को दुख हो रहा, मन को टेंशन हो रहा, यही गड़बड़ है ना। 1000 मुश्किलें हमको, 1000 मुसीबतें हैं। मैं कितनी बार कहता कि मन पूर्ण स्वतंत्र है, उसको प्रकृति की ओर से रत्ती भर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो मुश्किल और सहजता एक दूसरे को टिकाए हुए है। मन आपका सहज है, वो ऑटोमेशन पे है, स्वतंत्र है। अगर आप उसको खुला छोड़ दो, जीवन में कोई मुश्किल है ही नहीं। बड़े ध्यान से समझ लेना। अब सहजता यानी कि मन को खुला दौर दे दिया कि जो भीतर है वो बाहर निकाल दिया, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर जो भीतर है वो बाहर निकल रहा है तब तो कोई मुश्किल बची भी नहीं जीवन में। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? तो लाओ त्से कह रहे हैं कि सहजता मुश्किल को टिकाए हुए है। हम सहज नहीं है इसलिए मुश्किलें आ रही है। आपके मन का फ्लो आप ये समझ जाएं। सत्य जो जनक कह रहे हैं कि मुझे अपनी इच्छा पूरी करने से कौन रोक सकता है, कृष्ण का जीवन पढ़ लो हैं? कौन रोक पाया कृष्ण को? जब रुक ही नहीं रहे कृष्ण तो कृष्ण को मुश्किल कैसे आएगी? मुश्किलें तो बहुत है। कृष्ण का पूरा जीवन देखें आप तो कोई ऐसा समय नहीं जब उनकी जान पे ना बनाई हो, और गारंटेड कि अब बची नहीं सकते महाराज। लेकिन सहज हैं तो सहजता में 100 गुण है। अब पूरी शिक्षा देखें तो आपको असहज बनाने की शिक्षा है। हे ऐसा मत करो। अच्छा आप कर रहे हैं? अरे मेरे को क्रोध आया, अब बड़ा क्रोध आया। अगर आप कर देंगे तो आपको समस्या क्या है? अच्छा क्रोध कर जो आ रहा है उसको निकालने में मुश्किल क्या है? वो तो निकलना ही चाहता, निकल ही जाएगा। आप गौर करना, हर आदमी की हालत ऐसी है कि 1000 ख्वाहिशें ऐसी है ना कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ऐसी पाल के रखी है। क्यों? वो निकल ही नहीं रही। इतने लोगों ने इतना ज्ञान दे दिया, असहज बना दिया। तो आज के बाद आप गौर करना कि जब भी मुश्किल है,
रत्ती भर मुश्किल है तो क्या है, उस समय आप असहज हैं, गारंटेड। साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि अगर आप असहज हैं, है ना, भीतर हंसना चाहते और बड़ी जोर से हंसी आ रही है, लोहे डाली की फिल्म चल रही है, लोबा कैसे सोबनेस नहीं है, मुश्किल हो जाती है। सत्य बोलने में कोई मुश्किल नहीं है, सहज है। आप कभी कोशिश करना, कोशिश करने की जरूरत नहीं है, है ना, हम लोग तो दिन में 30-40 बार बोल ही देते। तो जैसे ही आप असत्य बोलते असहज हो जाते, मुश्किल आती। क्रोध निकालने में मुश्किल नहीं, प्रेम करने में मुश्किल नहीं, काम करने में मुश्किल नहीं, लेकिन जो भीतर है, अभी बच्चे को स्कूल नहीं जाना और न जाए तो कोई मुश्किल है नहीं। अब मुश्किल में कब फंसता, जब हम कहते हैं जाना जरूरी। सारी मुश्किलों पे गौर करना, एक मुश्किल मुझे ऐसी बता दो कि मन के फ्लो में चल रहे हो, मुश्किल टिक ही नहीं सकती, मुश्किल है ही नहीं। मन में आप कुछ पैदा नहीं कर सकते, ये मैं कितनी बार कह चुका, कोई मनुष्य कुछ पैदा नहीं कर सकता, वो उसका अपना ऑटोमेशन है और उस ऑटोमेशन को चलने दो आप, कोई तकलीफ नहीं है। तो लाओ से कह रहे हैं कि सहजता और मुश्किल एक दूसरे को टिकाए हुए है, और जिस मनुष्य के जीवन में जितनी मुश्किल है, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूं, ऊंची साइकोलॉजी है, समझ लेना, ये इतना असहज है, यानी कि झूठा है, भीतर कुछ है और बाहर कुछ बोल कर रहा, ये बैरोमीटर है। अगर कोई मुश्किल में है, अगर कोई दुखी है, अगर किसी को चिंता पकड़ती, अगर कोई परेशान है, तो वह असहज है, क्योंकि इतना असहज जी रहा है कि परेशान कर दिया। वरना दुख है तो है, पूरा दिखा दो, पूरे गांव को मालूम पड़ना चाहिए दुख है, जब तक पूरा निकल ना जाए, क्या मुश्किल है, निकल गया काम खत्म, कुछ मुश्किल नहीं है। मुश्किल दुनिया के लिए है, आपके लिए कभी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सहज होने की हिम्मत ही खत्म कर दी लोगों ने, इतना ज्ञान दे दिया, ये पाप ये पुण्य भेद कर दिया हमने, हमारी ये समझ ही चली गई कि हर मनुष्य का अपना ऑटोमेशन है, बेचारा मजबूर है, उसको मस्ती में जीने दो, जो मर्जी आ रही करने दो, सब अपने आप चलेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, कर क्या सकते, हमको समझ में आना ही बंद हो गया। हमको ये समझ में आना बंद हो गया कि कोई क्रोध कर रहा है तो उसको कोऑपरेट करो, बेचारा परेशान है, निकल जाएगा, शांत हो जाएगा। हम सोचते इसने हम पे क्रोध किया, अरे तुम हो कौन, वो अपनी परेशानी में परेशान है, वो क्रोध कर रहा है क्योंकि भीतर से आ रहा है, वो सहजता से निकल जाने देंगे, कोई परेशानी नहीं। तो आज के बाद जब जब आपको मुश्किल होती, तब समझ लेना कि आप कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं जो भीतर नहीं है, आप कुछ ऐसी जगह फंसे हैं जहां आप फंसना नहीं चाहते, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते, तो कर क्यों रहे हैं, कौन मजबूर करता आपको, कौन मजबूर कर सकता आपको, हम ही कैद खाना चुनते, हम ही सिपाही लगाते, हमने ही पेरे लगाए हैं सुन के, और 80 साल का जीवन बर्बाद हो गया, चले जाता, बड़े उदास होके जाते, फायदा किसी को नहीं हो रहा, और सोचते अगर हर मनुष्य स्वच्छंद हो गया, हर मनुष्य सहज हो गया तो क्या होगा। मैं कह रहा हूं सब कबीर हो जाएंगे, सब एडिसन हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा, आप क्यों चिंता करते, आप क्यों ठेका लेते और बिगाड़ते। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए, कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए, कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए। सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियाँ में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। जीवन में जितना हो सके आप सहज रहें, जो भीतर है अगर बहुत मजबूरी ना हो, पुरानी आदत है, बड़ा डर है,
बड़े सवाल हैं, पैदा कर नहीं सकते, निकालने में डरते, पैदा कर नहीं सकते, बताने में डरते। क्यों डरते? अरे भाई मुझे आपसे जलन पकड़ी तो पकड़ी, निकाल दो, टेंशन फ्री, नहीं तो अंदर महीनों तक जिंदगी भर चलती रहती। तो मुश्किल और सहजता एक दूसरे को टिकाए हुए है और मनुष्य को मुश्किल काम समझ में आते है ना। और रामकृष्ण परमहंस हमेशा हंसी उड़ाते कि यार तुम मनुष्य हो, सहज हो, दो पांव से चल सकते हो, दो पांव से चलना चाहिए, दो पांव से चलने में कोई मुश्किल भी नहीं है। तो आप कहते अरे दो पांव से चला जाता, देखो हम सर से ऐसे चलते, पागल हो तुम, चलते लो बाग सर के बल चलते। अरे चार हाथ से क्यों नहीं चलते, दो हाथ दो पांव से चलो, कोई तकलीफ है? कितनी मुश्किल होती, लेकिन ऐसे मुश्किल काम पसंद करते हम। टफ चाहिए, कुछ चैलेंजिंग चाहिए। अबे शांति से जीना है, जीवन में चैलेंज नहीं है, सहज हो आप, क्यों मुश्किल को इन्विटेशन देते? जिस चीज में मजा नहीं आता वो आपका मन करना नहीं चाहता, और आप जिंदगी में मजा लेना चाहते, लेकिन हम मुश्किल काम पकड़ लाते। 21 तपश्चर्या हिमालय पे बैठेंगे 6 महीने, बैठो, बड़ा मुश्किल है, तुम बैठ के देखो। और हम पागल हैं क्या? हम अपने घर की कुर्सी भी नहीं बैठे शांति से, क्यों हिमालय जाए? तो आप मुश्किल काम सिलेक्ट करते, अपनी सहजता छोड़ते, आप करना नहीं चाहते। दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो करना चाहता लेकिन फंसा दिया, सोच उस तरीके की हो गई, कंडीशनिंग हो गई, फंस गया। बड़े टप टप काम करता, अनरिक्वायर्ड काम करता, फायदा क्या है? आपको जीना है, मन आपके पास है, बादशाह है, सहज रहो। तो मुश्किल और सहजता एक दूसरे को टिकाए हुए हैं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे सर के बल चलने में मजा आता, फिर वो पागल होगा। ये तो बड़ा सिंपल है, अपनी पहले की दो ऊंची बात कि होना और नहीं होना एक दूसरे को जन्म देते हैं, सहजता और मुश्किल एक दूसरे को टिकाए रखते हैं। इस बात को सिंपल करने के लिए लाओ से कह रहे हैं कि लंबा और छोटा एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। अपनी इस गहरी बात को आसान करने के लिए लाओ तो सिंपल बात कह रहे हैं कि लंबा और छोटा एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। वरना चीजें हैं, हम कहते थे चाइना की दीवार लंबी, ये आदमी लंबा, क्यों? तो फिर उसको छोटे आदमी दिखते हैं उसकी कंपैरिजन में लंबा। वरना वो भी है ये भी है, तो एक दूसरे को परिभाषित करते आप। मोटाई और सूक्ष्मता एक दूसरे पर आधारित है, वरना वो मोटा है वो सूक्ष्म है, ये विशाल पहाड़ है वो छोटी पहाड़ी है, ये विशाल समुन्द्र है वो नदी है। लेकिन जैसे ही हम तुलना करते कि दोनों का उस हिसाब से अस्तित्व आ जाता। The most intellectual talks of human history, Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi, जिसमें वे मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्ज़े के सुने अनसुने सूत्रों को अनावृत कर रहे हैं। ये तमाम DVDs आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जानिए कैसे कृष्ण ने अपनी स्वप्न नगरी द्वारका बसाई और वहां के राजा बने। पढ़िए दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूं का तीसरा भाग, मैं कृष्ण हूं द्वारका, सपनों से हकीकत का सफर। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।